यहां पर साइन करो। रख दे। भाई मुझे मत मार। ए, क्या इंतजाम कर देगा? वक्त चाहिए। खुद को शाणा समझता है? मुझे मत मारे। ए, गरीब आदमी। चुप रहा था? हाँ, मुझसे चुप रहा था? मुझसे छिपेगा? तू छुप जाएगा तो मैं क्या छोड़ दूंगा? अब मजा चखाता हूँ, चल अंदर। सब कुछ देख लिया ना? हमारे घर में शादी है, 50,000 खर्चा तो है ही। शादी के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए तो मैं आपके पास कर्जा मांगने आई हूँ। अभी तो तुम्हें जरूरत है, पैसा उठा लोगी। अगर वापस ना कर सकी तो इन मुसीबतों से मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। भर दूंगी। मैं भी यही चाहूंगा कि तुम वक्त पर भर देना, इस आफत को अपने सर पर मत लेना। यही सलाह है मेरी, यहां पर अंगूठा लगाओ। असल और ब्याज आज तक किसी ने चुकाया है? मैंने आज तक नहीं देखा। आपको तो पता है मेरा आदमी मुझे छोड़कर चला गया, अगर वो आज होता तो ये सब मैं क्यों करती? इसीलिए तो आज मैं आपके पास कर्जा मांगने आई हूँ। मेरी एक ही तो ख्वाहिश है कि मेरी बेटी का घर बस जाए। ए मैनेजर, तेरी पहचान वाली है क्या? फटाफट ला, कितना टाइम लगता है? ये ले। एक, दो, तीन, चार। ए, गिन क्या रही है? पूरे 10,000 है, लेकर चुपचाप कल्टी मार। 50,000 की उम्मीद की थी लेकिन ये उससे भी कम है, मुझे तो और चाहिए। ए, वापस कर, चल वापस कर। ए, तेरे को क्या चाहिए? भाई मुझे कुछ पैसे दे। ये क्या किया तुमने? ए, ये कितने में साइन किया, किसको कितनी जरूरत है, ये सब पूछ के हम लोग पैसे नहीं दिया करते, और तेरी ये हिम्मत कि तू हमसे सवाल जवाब करती है? चल। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी बेटी की शादी है, मेरी गलती को माफ कर दो, जितना चाहिए उतना लिख लो और जितने पैसे दिए थे उतने ही दे दो। भाई साहब। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लिया, सुन लिया, चुप चुप बैठ, चुप। तेरी बेटी की शादी है ना? हाँ, ए, 4 तोले का सोने का मंगलसूत्र इसको मेरी तरफ से दे दो। जा अब तू, आराम से जा, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर, टेंशन मत ले, समझी? चल मैं जाता हूँ, जाता हूँ भाई, जाता हूँ मैं। धन्यवाद आपका। चार तोले का मंगलसूत्र देने का वादा करके उसके घर की तबाही करने का इंतजाम कर लिया। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? खाएगा क्या? अरे वो 2 महीने पहले तुझे समझाया था ना, तू क्या एक सर, मैं ड्यूटी में बहुत टेंशन में रहता हूँ सर, उसके चलते ठीक से देख नहीं पाया। समझाऊं क्या? सर मुझे माफ कर दो सर, ट्रैफिक का टाइम है प्लीज। अच्छा, ट्रैफिक टाइम है, पुलिस की गाड़ी को सलाम ठोकना आता है? साले टेटुआ दबा दूंगा तेरा, नमक हराम। भाई को रोक लो, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, उन्हें रोक लो। क्या? मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। कचरा सामान रोड पे नहीं गिरना चाहिए। भाई माफ कर, पहुंचाएगा बोला, साड़ हुए क्या बोला? भाई पैसे लौटा दूंगा भाई, पहुंचाएगा क्यों गई भाई? कब पहुंचाएगा, कब पहुंचाएगा? क्या सॉरी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सलाम साहब, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए, टेंशन मत लीजिए। चलो ड्राइवर। क्या है ये सर, मंत्री के सामने ट्रैफिक पुलिस की ऐसी धुलाई, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या?
है क्या? फाइट का बदला फाइट, यही कहा था तूने। अब हवा टाइट हो गई क्या? देखो तुम लोग मेरे से उल्टी बात मत करो। तूने ही कहा था कि तू 10 पंच मारेगा, उसके बदले वो एक ही लात मारेगा। अब तेरी बत्ती गुल हो गई। सुन बे, किसी गलत जगह पे बिल्कुल नहीं मारेगा। ए, ये सब बात अभी नहीं करने का, ये सब सोचना पहले चाहिए था। वो इधर नहीं मारना चाहिए, उधर नहीं मारना चाहिए, ऐसा क्यों? तूने किधर किधर मारा उसका क्या? जैसा गिन गिन के मारा है वैसा चुन चुन के खा। अब वो जो एक देगा उसको ले। ए आजा। मेरे लिए मेरा निशान होता है बापू, मैं इधर उधर गलत जगह पर नहीं मारता। मेरा एक फटका लकड़े पे खिला ठोकने के बराबर होता है, अगर उससे बच गया तो ठीक है, वरना राम नाम सत्या है, समझा? क्या ये तो होना ही था। जब तूने उसको मारा था तब तूने सोचा नहीं था, जब वो किसी को मारता है तो वो सो जाता है। तुझे नहीं मारना था तो फिर? तो क्या, जहाँ वो मारता है वहाँ मेरा तेल लगाने से आराम मिल जाता है। वो सुक्कड़ है पर ताकतवर है, उसे ऐसा कमजोर मत समझना, हड्डी तोड़ देगा। ये ले, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगा लेना, दोबारा पंगा मत लेना। क्या रे, समझ में आया? क्या बात है, आधे घंटे से बाल बना रहा है, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? स्टाइल है। तू तो अपने आप को बड़ा हीरो समझने लगा है। ए, इतना जोर से मत बोलो, घर में बाकी लोग हैं, सुन लेंगे। हा? हा? चल भाग। ए, खाना खा के जाना। हेलो, व्हाट इज द ब्रेकफास्ट? ये ले खा ले। क्या माँ, वही सड़ेला नाश्ता? अरे कुछ और बना देती। बना दूंगी, तेरे पिताजी की तनख्वाह बढ़ जाने दे उसके बाद।
कितनी खट्टी बास आ रही है इसमें। क्या माँ बासी खाना खिलाकर मुझे मरवाना चाहती हो क्या? अच्छा खाना खाना है तो जैसा मैं मेहनत करता हूँ वैसा तू भी मेहनत करना सीख। इसकी कोई गलती नहीं है, घर में जो भी बनता है उसी में सबका पेट भरने की कोशिश करती है तेरी माँ। शुरू हो गया इनका भाषण, जब देखो तब पैसे की बात। सब तुम्हारी गलती है। अच्छे से अच्छा खाना घर में खाता है और बाहर जाकर गुंडा कर दी। ए सुन, सुनाई नहीं दे रहा? घर के बारे में छोड़कर बाहर वालों की चिंता करता है नालायक। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अकल एक पैसे की नहीं। छोड़ो ना डैड। देख मेरी बात मान ले वरना बहुत पछताएगा तू। आप मरते दम तक ट्रक ही चलाते रहोगे लेकिन अपन टट्टा सियारा लेकर हवा से बातें करेगा। अपना मुंह बंद कर। लो कैसी बात करती है, मुंह बंद रखूंगा तो खाऊंगा कैसे, आप ही समझाओ इसे। मेरे बाप तू कब सुधरेगा रे। ओ अरे यार चैन से खाने तो दो। देखो कैसे भिखारियों की तरह खा रहा है। उठ वहां से, कुछ भी कहो तेरे पल्ले नहीं पड़ता। लक्ष्मी लक्ष्मी यहाँ हो बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? भाई साहब। हाँ बहन। किसी तरह पैसे जमा करके शादी की तैयारी कर ली है, ये रहा निमंत्रण। सदा खुश रहो। क्या बात है, गजरा लगा के किधर जा रही है, कोई खास बात है क्या? क्या बदतमीजी है, जो मुंह में आया बक देता है, इसे कुछ सिखाती क्यों? अरे इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, दोनों एक साथ पले बड़े हैं, दोस्त है। अब ये शादी करके चली जाएगी तो मैंने सोचा कि एक फोटो निकाल लूं। हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा है, यादगार के लिए फोटो बहुत जरूरी है। मेरे घर में भी एक जवान बेटी है, उसके दिल में भी बहुत सपने और अरमान हैं। मैं समझ सकता हूँ। डैडी मैं चलती हूँ। दीदी गुड मॉर्निंग। प्यारी दीदी 50 रुपए दो ना। किस लिए? तेरी शादी के लिए। क्या बात कर रही है, नई पिक्चर रिलीज हुई देखनी है, प्लीज देना। सिर्फ बस पास के ही पैसे हैं। ए कल तेरे को दे दूंगा ना, उसमें क्या है, चल ला। 50 रुपया देने वाली दीदी की जय हो। सामने देख बॉस, हीरोइन जैसी मस्त आइटम बस स्टॉप पर खड़ी है, सबकी तो आज वाट लगने वाली है। इस तरह से क्यों देख रहे हो, इस तरह से घूर क्यों रहे हो, पहली बार लड़की देखी है, कहीं तो ड्रैगिंग तो नहीं करोगे ना, इस तरह क्यों देख रहे हो? इस शहर में आज तक हमने अलग अलग हसीनाएं देखी है पर तुमसा नहीं देखा। यह हरा कलर का ब्लाउज, उस पर पीला कलर का दानी कम्बाल है। जहाँ खुला होना चाहिए वहाँ खुला है, जहाँ ढका होना चाहिए वहाँ ढका है, कम्बाल है। तुम्हारा गुलाबी चेहरा बिल्कुल हीरोइन जैसा दिखता है। मेरा ब्लाउज और साड़ी आप लोगों को बहुत पसंद आई ना, मेरे डैडी खरीद कर लाए। समझदार डैडी है, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों को मैं क्या जवाब दूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कसम दिल को छू गई तेरी अदा यार। भाई साहब जरा ये पकड़िए प्लीज। भैया पकड़ो ना। आपको मेरा ब्लाउज और साड़ी बहुत पसंद आए ना? सचमुच पसंद आई ना? हट रे। क्या रीटा अकेली बैठी है, जरा मेरे को बैठने देना। हेलो, अगर उसके पास बैठना है तो छोटा बच्चा बनकर पहले नाच के दिखाना पड़ेगा। अच्छा ले पकड़। देखो
ए बच्चे वो देख लाल मिर्ची आ रही है। क्या बोला? आ गई मिर्ची। अबे तो गलत सीट पर बैठ गया है, वो अंदर आ गई है। तू उठेगा नहीं ना तो बहुत लफड़ा करेगी ये। चल उठ जा फटाफट, तेरे सर पे नाचेगी ये। कंडक्टर इनसे कहो ये लेडी सीट है। स्टूपिड फेलो। ओ मैम साहब, ये मेरी बात नहीं सुनते, आप ही इनसे कहो, मुझे मेरा काम करने दो। ए टिकट बोल। बहरा है क्या? सुनकर भी अनसुना बनकर बैठा है। देख वो बक रही है, सुन रहे है ना? क्या देख रहा है? ए मिस्टर, ये लेडी सीट है। हेलो, क्या आप मुझसे बातें कर रही हैं? सॉरी सॉरी, मुझे लगा किसी और से कह रही हैं। हाँ ये वही है, तुमने बताया नहीं, सॉरी। लड़कियाँ खड़ी हैं और तुम लेडी सीट पर बैठे हो, शर्म नहीं आती? अरे यार इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, बैठना ही चाहती हो ना? ठीक है बैठ जाओ। एक मिनट बच्चा, जरा ये पकड़ो, इन्हें बैठना है। अरे सॉरी सॉरी, मुझे आपके बारे में पता नहीं था। नहीं नहीं, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई सीट। बात नहीं, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। अच्छा? ना प्लीज। ठीक है। अरे ये लड़के को लकवा कब मार गया? एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड मैं यहाँ पर बैठूं? बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक्स। आइटम अच्छी है। I'm sorry, माफ कीजिए मुझे। It's okay. आप आराम से बैठिएगा। क्या मजा ले रहा है यार। आप आराम से बैठिए। थैंक यू। मौका मार लिया। देखिए मैं अपाइज हूँ तो सपोर्ट के लिए कंधे पर हाथ रख दिया है मैंने। उसकी तो निकल पड़ी है। कॉलेज आ गया। थैंक यू। संभल कर जाना। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, जाने दो उन्हें, पहले आप जाइए। हेलो, मजा आया ना? मैं अपाइज होने की एक्टिंग कर रहा था। इस कॉलेज में सिर्फ अपना ही चलता है, फिर वो बस हो या बैलगाड़ी हो। अगर मैं नाटक नहीं करता तो तुम्हारी पप्पी कैसे ले पाता? नालायक, बेशरम, बेमुराद। अरे क्या किलो के हिसाब से मेरी तारीफ कर रही है? चल रे। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स की धज्जियां उड़ा दी। क्या हुआ? अबे उधर देख, पैंट शर्ट पहन के हीरो बनकर एक लड़की से डांट खाया वो, उसकी वजह से हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। इधर आ। आप मुझे बुला रहे हैं? अरे तेरे को ही, इधर आ। कहिए। ए नाम क्या है तेरा? आपका दोस्त मतलब? रैगिंग हो गई, खुश हो? चलो मैं। पागल है क्या? यहाँ पर सीनियर जूनियर को परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज जूनियर ने सीनियर को बना दिया। ए जी इधर आ। आप भी शुरू हो जाइए। नया है क्या? जानना चाहते हो? लो ये पकड़ो। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है यार? उठ जा उठ जा, इधर इधर इधर, उठ जा उठ जा, इधर इधर। पता है सर पे मार मार के सीनियर ने मुझे आशीर्वाद दिया, अब आपकी बारी है। आप कहेंगे थोड़ा सा पानी पीकर कुछ चुक चुक रेलगाड़ी की आवाज निकाल कर दिखा, तो दिखा रहा हूँ। ये पागल है क्या? चुक चुक, अब मजा देख क्या होता है। चुक 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 चुक। एड़ा समझाए क्या?
इज्जत से जा रहा था, बीच में टांग अड़ाया। ज्यादा उंगली किया ना तो काट के रख दूंगा। कान खोल कर सुनना, शान पट्टी किया ना तो मुंडी उखाड़ दूंगा। ए, ए, क्या चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? जी नमस्ते, मैं म्यूनिसिपैलिटी में यहाँ का कमिश्नर है। जी नहीं नहीं नहीं, मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरा नाम मणि है, मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है, उससे मिलने के लिए आया हूँ। तेरा लड़का यहाँ पढ़ता है? औकात है क्या, सवेरे से कोई मिला नहीं क्या? चलना निकल निकल यहाँ से। सच, मेरा बेटा यही पढ़ता है। ए औकात देख, फालतू की बात मत कर, चल चुपचाप निकल जाए यहाँ से, भाग। ए, गरीबों के बच्चे यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हैं क्या? तू तो प्यून होके कलेक्टर जैसी बड़ी बातें कर रहा है। तुम जाओ भाई साहब, जाके अंदर देखो, अपनी हैसियत नहीं देखता, बड़ी बड़ी बातें करता है सर। अच्छा सुनो, वो लास्ट लेक्चर के नोट्स तुम्हारे पास है? मुझे चाहिए, बहुत जरूरत है उनकी। कमाल है, तुम्हारे पास उसकी कॉपी नहीं है? नहीं, मैंने कॉपी तो नहीं किए थे। कहिए किसे ढूंढ रहे हैं, ऑफिस में जाना है? नहीं भाई, मेरा लड़का यहाँ पढ़ता है, कहाँ है पता नहीं, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। कौन सी क्लास में? पता नहीं, पैसे मांग रहा था कॉलेज के लिए तो दे दिया। इतना जानता हूँ कि इसी कॉलेज में वो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बता नहीं सकता। उसका नाम बताएंगे? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम आप शायद जानते होंगे, रोजाना बस में कुछ न कुछ नौटंकी करता रहता है। ओह, तो आप उसके पिताजी हैं। चलिए मेरे साथ चलिए। नहीं रहने दीजिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर उसे पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएगा, दूर से ही देखकर मैं खुश हो जाऊंगा, और कुछ नहीं। वो देखिए यहाँ से तीसरा रूम। In today's lecture, we are going to learn about various determinations in various ways. So please note down the first point. The first point says, देख लिया आपने? हाँ भाई साहब, वो पढ़ाई कर रहा है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, चलता हूँ। जी भाई साहब। हाँ, क्या पढ़ रहा है मेरा बेटा? बीएससी केमिस्ट्री। बीएससी मिस्त्री? हाँ, बीएससी मिस्त्री पढ़ रहा है, मिस्त्री पढ़ रहा है मेरा लड़का, लेकिन ये क्या होता है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये है नीलामी नंबर 7। अपने शहर का ये इलाका जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, 2500 एकड़ खाली जमीन नीलामी के लिए निकाली गई है। इस इलाके में हजारों की संख्या में रोज कार्स, बसेस और लॉरी लाकर पार्क की जाती है, इसीलिए इस जगह की सरकार ने 1,10,00,000 रुपए कीमत तय की है। आज की नीलामी में हमारे महानगर पालिका के महान हस्तियां यहां पर आज उपस्थित हैं। चेन्नई महानगर की तरफ से ये बोली 1,00,000 से शुरू की जाएगी, जो बोली लगाना चाहते हैं वो बोली लगा सकते हैं। तो अब बोली की शुरुआत होती है। 10,00,000 रुपए। मेरे 15,00,000। मेरे 20,00,000। 20,00,000। 28,00,000। 28,00,000। मेरे 40,00,000। 40,00,000। 40,00,000 एक। क्या ये लोग शुरुआत में ही 40,00,000 तक पहुंच गए? अरे तुझे पता नहीं, वो जमीन सोना है, करोड़ों की जमीन। हाँ। कौड़ियों के दाम बिक रही है। अरे ऐसे ही साल भर में नेता लोग करोड़ों नहीं कमाते। छोड़ यार हमें, क्या मुझे कमिश्नर के पास जाना, मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। 1,20,00,000। 1,20,00,000। अगर आप चाहें तो बोली और बढ़ा सकते हैं। 1,20,00,000 एक। 1,20,00,000 दो। एक। क्या पकड़ के बजा रहा है? ए, जानता है मेरे को, नीलामी पहले हो चुकी है तो अभी काय को चिल्ला रहा है? बजा बजा के थक जाएगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? ए, लंबी लंबी गाड़ियों में आए हुए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा ये सुरी चाहता है। ए, पैसा ला, ये ले, 10,10,000 एक, 10,10,000 दो, 10,10,000 तीन। ए, जल्दी से पैसा उठा और एग्रीमेंट बना, नहीं तो अपनी नौकरी से तो हाथ धो बैठेगा, साथ में अपनी बीवी बच्चों से भी। अब बैठ टकलू, रोकड़ा उठा। अराजकता, अराजकता, अराजकता इस देश को दीमक की तरह चाट रहा है। इस देश में ईमानदारी से काम करने वालों की जरूरत नहीं है। सरकार राज चला रही है या गुंडे, ना कोई ये जानना चाहता है ना कोई ये सुनना चाहता है। पर क्यों, ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन एक बिजनेस बन चुका है। आप जिधर भी देखो चारों तरफ अराजकता है। ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? कौन है हम और आपके साथ इंसाफ करने वाला? हमें तो जुल्म सहन करने की आदत पड़ चुकी है। सुपर भाई, बोल बोल तू बिंदास बोल।
लेकिन यहाँ तेरी बात सुनने या समझने वाला कोई नहीं सिवाय तेरे और मेरे। तू चिल्ला चिल्ला के थक जाएगा लेकिन कुछ नहीं उखड़ेगा, समझा? एक माइक और चार ट्यूबलाइट लगाने से तू बड़ा नेता बन गया, अब क्या होगा जानता है? टट्टी करेगा तू, कपड़े में टट्टी करेगा, तेरी खटिया खड़ी करता हूँ। रुक, हटो रे खजुओ। गलती का सीना ठोक के सामना करना चाहिए, ये बोल रहा था। ए, इंसाफ का बीन बजा के ये बड़े बड़े भाषण दे रहा था, किसी ने सुना क्या? टाइम पास करने का और घर पे जाने का, सुना तूने इड़े? किसी ने नहीं सुनी तेरी बात। अब तू मेरी स्टाइल देख, देख माइक में कैसे बोलता हूँ। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या बकना है? बकना? मुझे कुछ नहीं बोलना। अभी सही बात बोलने को बोल रहा हूँ तो बौखला काय को रहा है? ये राइट है, वो रॉन्ग है, वो राइट है, ये रॉन्ग है, ये सब बताता है ना तू? अबे बोलना। माइक लगा के अपनी पार्टी और अपना प्रचार करना, यही तेरा काम है। अब तू मुझसे पूछ, क्या पूछना चाहता है? जल्दी पूछ। अब नहीं पूछ रहा है तो तेरे को जीने का कोई हक नहीं है। लड़कियों का रवैया बदल रहा है। छे, लड़कियां बेशरम हो गई हैं, मर्दों की पैंट लड़कियां पहनने लगी हैं। मर्द कौन, लड़की कौन, हम लोग कैसे पहचाने, समझ नहीं आता। एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। 9:30 एएम है या पीएम है? इडियट, जब इन्होंने कहा 9:30 तो तुम्हें खुद अंदाजा लगाना चाहिए एएम है या पीएम है, है ना बेबी? ठीक कहा ना मैंने? अरे मेरे यारो दोस्तों, यहाँ आओ। ए, जो मैंने पूछा तुम भी पूछो। टाइम, जल्दी जल्दी पूछो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। चाचा जरा सिगरेट पिलाना। ऐसा बकवास घड़ी है, वक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी पूछो जो पूछना है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या घड़ी है, टाइम कभी चालू तो कभी बंद, टाइम ही खराब है। अरे तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा? पूछना है, टाइम पूछना है। टाइम क्या हुआ है? मुझसे पूछा क्या? जाओ 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 जाओ, अरे जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। ए तू भी जाना यार। कुछ तो मुझे मिल गया, और मिल जाए तो मजा आ जाए। नमस्ते। नमस्ते। वो बाइक मेरा था। हाँ। बीच में खड़ा था, साइड में लगा के आया हूँ। मैंने टाइम पूछा था, आपने बताया नहीं। थोड़ा बता देते तो। राहुकाल। अच्छा, आपसे पूछो तो ये जवाब दे, इनसे पूछो तो ये जवाब दे, पूछो तो किससे? राहुकाल चल रहा है, मगर किसका? अभी बताता हूँ। तुम नहीं जानते, मैं बताता हूँ किसका। Oh!
टाइम बताएंगे प्लीज। 2/2/2008 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 15वीं का दिन पूनम की रात अच्छा वक्त है। 8:30 से 9 तुम्हारे लिए, राहु काल 8:30 से 9 मेरे लिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक महागुरुओं की आरती का वक्त है। शनि को दूर करने के लिए वक्त है 10:20। दिन है 1, 2, 3, 4, 5। जो हो गया उसे भूल जाओ, मेरी मानो। तुम्हारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, उसे लो और निकल जाओ। तूने अपनी पूरी जन्म कुंडली बता दी। एक बात तुझे समझ लेनी चाहिए, ना तूने मेरा कुछ बिगाड़ा, ना मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा, तो फिर एक दूसरे का टाइम खोटी क्यों करें? यही तो मैं कह रहा था। मान गया भाई, मान गया, मान गया भाई, मान गया, मान गया भाई, मान गया। क्या वो मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज हॉस्टल तक ड्रॉप कर देंगे? ए, क्या तू मुझसे कह रही है? तू साड़ी वाड़ी तो पहनेगी नहीं, तेरे ऐसे कपड़ों की वजह से सारे पंगे होते हैं। मैं कितनों से मारामारी करूंगा? अभी चुपचाप बस स्टॉप पे खड़े रहने का, 2 रुपए वाला टिकट लेने का अपन के पास टाइम नहीं है, चलता हूँ। ए, इतना स्पीड में काई को चला रहा है बे? गाड़ी के नीचे आ जाएगा तो तेरा कीमा बन जाएगा, चल फोट। अपन के सामने तूफान भी कंट्रोल में आ जाता है, शांत रहने का। तेरी तो चिल्लाओ मत, वरना मैं तुम्हें काट खाऊंगी। तेरा वजन बहुत भारी है, हटना। नहीं हटती जा। हटना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? पागल हो गई है क्या? तुम मुझे अकेला क्यों छोड़कर आए? तो क्या, अगर तुम्हारे दिल में होता तो तुम मुझे वहाँ पर लिफ्ट दे देते, पर तुमने नहीं दी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ। वो सब रहने दे, चलो। ए, पहले तुम बताओ मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं, मेरे दिल पर हाथ रख के कहो। फुटले 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 फुटले। क्या हुआ तुझे? रात में चिल्ला रहा है, मुँह बंद करके सो नहीं सकता। देखो सुबह इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाओ और तावीज बंधवा दो। ठीक है ठीक है, पकाओ मत। काव्या गलत मत समझना, ऐसा है कुछ नहीं है। बहुत दिन से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, इसलिए आज कहने की हिम्मत जुटा के आया हूँ। मैं तुमसे ये लेटर भेजना चाहता हूँ। क्या है हीरा, क्या बोलता है, क्या बोल रहा था? लेटर देना चाहता बोल। नहीं नहीं, अबे छोड़ दे, उसको छोड़ के इसके पास आ गया, उससे दिल भर गया क्या? ये क्या है, तू इसको बत्ती से दिखा रही थी है? उल्टे हाथ की एक लगाऊंगा ना तेरे को। क्या लिखा है? मैंने एक सपना देखा, उसमें बस तुम ही तुम मुझे नजर आती हो। जो सपना देखते हैं उसी के सपने पूरे होते हैं। तुम सिर्फ एक सपना नहीं हो, मेरी जिंदगी का सपना हो। ऐसा सपना मेरे को क्यों नहीं आता? मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो और मैं बना हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी जिंदगी भी तुम हो, मेरी मौत भी तुम हो। तेरी तो मौत मैं हूँ। प्यार करने के लिए मर मर के जन्म लेगा,
ऐसी फालतू बातें लाल पेन से चिट्ठी में लिखेगा तो वो आके तेरे को चिपक जाएगी, यही सोच कर लिखा था ना है? ये सब लिखकर क्या कहना चाहता है तू है? लानत है, जा कहीं जाकर डूब मर। क्या घर में कोई सिखाने वाला नहीं है? अब मेरी बात सुन, ये लड़की मुझसे कब से प्यार करती है मालूम है? इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। तू जानता नहीं है, अगर ये मेरे को नहीं मिले ना तो तेरे सामने ही मैं इसको तेरी तो तू इस लड़की के प्यार में पागल हो गया, मेरे सामने चिट्ठी लिखता है? बस दोस्त प्लीज बंद कर, ये प्यार है, छोटे बच्चों का कोई खेल नहीं है, समझा? सॉरी सॉरी, इस्त्री खराब हो गई। दरअसल लव लेटर लिखना कोई गलत बात नहीं है, फिर भी तूने गलती की है। इसकी एक खासियत बताऊं, रात रात भर मेरे सीने पर बैठकर ये नाचती है मालूम है? सॉरी, सब भूल जाना। मुझे पसंद करते हो ना? मुझसे प्यार भी करते हो? मुंह में जबान नहीं है क्या? मुझसे बात नहीं कर सकते तुम? कब से प्यार करने लगे? दूसरों पे दादागिरी क्यों करते हो? खुद से कह नहीं सकते क्या कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? कहो ना, तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। अच्छा, वो मिलकर तुझसे कुछ बात करना चाहता था, तुझसे मिला क्या? हाँ, इधर ही है। ऐसा किधर है? हाँ? एक मिनट रुक, आता हूँ। ए, दो ग्लास ठंडा पानी ला। ठंडा की सादा? जो बोलता हूँ वही कर। क्वार्टर में पानी मिलाते हैं, कभी पानी में क्वार्टर मिलाते हुए देखा है क्या? यह अपन का फॉर्मूला है। दोस्त चलना चलते हैं। क्या हुआ? वो देखा क्या? ये सब मैं देख नहीं पाऊंगा, वो कुछ बोलेगा तो मैं भी कुछ बोलूंगा, फिर डैडी मुझे नहीं छोड़ेंगे। चलो उठ, दो नान कटाई दीजिए, मैं दूसरी दुकान से लेती है। छोड़ो भाई, आजकल धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है, देखो बिल्कुल धंधा नहीं है। भाई हम पे कुछ मेहरबानी करो भाई। क्या धंधा नहीं हो रहा है? ये तो तेरी मगजमारी है। ए, कंधे पे हाथ क्यों रखा? मैं तो पीछे से निकल रहा था। अच्छा, जाना बाद में, पहले सामने आ। कॉलेज जाना है भाई, छोड़ो ना। छोड़ दूं? हाँ, जाने दो ना भाई। हाथ आगे कर। जाने दो ना। बोला ना, हाथ आगे कर। अरे भाई छोड़ दो ना। छोड़ दूं? हाँ, जाने दो। ऐसा क्या? हटाओ इसे। डरा रहा है? नहीं हटाता। हटा इसे। अरे गुस्सा आ गया, हटाओ। क्या कर लेगा? ए, तेरी तुम ना। ए, रुक जा। तेरे को ना बोला था ना? रुक जा भाई, मैंने इसे ना बोला था, चर्बी चढ़ गई थी इसको। हाँ, काट के फेंक दूंगा। ए, सुन मैंने रे, कुछ नहीं किया भाई। सुन ना, बात तो सुन। होशियारी कर रहा है, लगाऊं क्या? ए, बात सुन। ये समझ के रखा है क्या? चीर के रख दूंगा। तुझ जैसे को तो नीचे से ऊपर तक चीर के रख देना चाहिए।
ए, लाइन मार रही है क्या? तेरी दाल इस पे नहीं गलने वाली मालूम है? ए, छोड़ भी, तू और तेरी फोटो। ए, इनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने का, एक सोच एक दिमाग, हम दोनों एक जैसे हैं। पता है। क्या दिन भर साड़ी पहन के घूमती रहती है, आजकल की लड़कियां मस्त मॉडर्न कपड़े पहनती है मालूम है। उसे उसी की तरह रहने दे, बाहर तेरे लिए जीप आई है। तेरे की। ए, इधर। क्या? इधर। क्या? सूरज निकलते ही अपना भाषण शुरू करते हो, रात तक लगे रहते हो, चुप रहो ना। ए, बाजार में क्या कर रहा था सच बता। चाय पी रहा था। सही कह रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, देख किसी के लफड़े में पड़े बगैर घर में रहे भले चार बार खाना खा। पता नहीं किसने इनके कान भर दिए। सब पता है मुझे, चाय पीने के साथ तूने क्या क्या किया, बेचारे का दुकान ही बंद हो गया। क्यों लफड़ा करते रहता है? ए दीदी, इनको कुछ समझाओ ना। क्या? हर बात को मजाक में मत ले तू। मुझे 100 रुपए चाहिए, जेब ढीली करो। हमेशा चालू रहता है। 10 रुपए रखो चाय पानी के लिए। कब सुधरेगा ये भगवान ही जाने। ए, पिक्चर का टाइम हो रहा है, जल्दी आ। रुकना, आ रहा हूँ। ए! ए! सलाम भाई। बार बार तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिल रही है। सॉरी भाई, आप जाइए। क्या अजीब लड़के से। जाइए जाइए, सारा पागल लग रहा है। चले चल यार। लो साइड हो जाओ। ऊपरा मरना है क्या? चालू बस पकड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कौन से बस का पास है, किसमें चढ़ा है तू? ले पकड़, नीचे उधर। इसलिए? चिल्लर नहीं है इसलिए। तुम्हारी बैग में बहुत चिल्लर है, देखो। ए, सब चिल्लर तेरे को दिया तो बाकियों का क्या करूंगा? पहले मुझे दो, बाद में सबको बांटना। ए चलो तर। ए, अपन से इज्जत से बात करने का। खाली पीली मैं अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ, गाड़ी चालू करो, टिकट देने का है। दो ना, मैं 3 किलोमीटर दौड़ के गाड़ी पकड़ा हूँ। जो है ना, एक आर्ट कॉलेज का टिकट दो। तुमने तो टिकट निकाला ना? बोलो भी, इसके लिए एक टिकट दे दो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। क्या जरूरत थी इसकी, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर झगड़ा होता तो कॉलेज के लिए देर हो जाती, जाने दो। सिस्टर, तुम्हें अच्छा जीवन साथी मिला है, तुम्हारी लाइफ सेट है। ए, चले क्या? हाँ। छी, यहाँ से घर तक पैदल चलने के लिए कहा है। क्या पैसे नहीं है क्या? नहीं है। मैं टिकट निकालूंगा, दोनों साथ में चलेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम दोनों आराम से बातें करते जाएंगे। आओ। तुम इतना आराम से क्यों चल रही हो? क्या हुआ? कुछ बात भी तो नहीं कर रही हो, इसलिए मैंने पूछा आराम से क्यों चल रही हो। बस कुछ कहो ना। लो पकड़ो। रास्ते में चलने वाले भाइयों बहनों, कपड़े की दुकान वाले मालिक सेठ जी, जो देख रहे वो भी सुनो, जो नहीं देख रहे वो भी सुनो। बोलने के लिए कहा, जो भी जी में आया मैंने बोल दिया। इस तरह से कोई बात करता है क्या? सारी दुनिया को सुना रहे हो। चल पकड़ो, पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, पकड़ो। अरे पकड़ो, संभालो उनको। अरे ज्यादा दूर मत भागना। उन्हें कुछ नहीं पता, शायद हम भी बचपन में ऐसा ही करते होंगे। मुझे याद है मेरी प्यारी प्यारी माँ और मेरे प्यारे पिताजी, शायद बचपन में हम भी ऐसे ही शरारत करते होंगे, वो भी हमें डांटते होंगे। अब भी मन करता है इस तरह से बचपना करने का, पर सच कहूँ तो पढ़ाई लिखाई में मैं अपना बचपन भूल गई। मुझे अभी मेरे पिताजी की बात याद है, मैं उन्हें बहुत परेशान करती रहती थी, बहुत शरारती थी मैं, उनको हमेशा बहुत परेशान करती रहती थी। वो कैसे? जैसे तुम्हें। अंदर आ जाओ, आओ अंदर आओ, आ जाओ।
आओ बारिश में भीगो ना। नहीं मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें बारिश अच्छी नहीं लगती? बारिश में भीगने से जुखाम हो जाएगा। कैसे बेवकूफ हो तुम, आओ ना। ए क्या देख रहे तू? अगर तुम नहीं आए ना तो मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगा, जाओ। सचमुच चली जाऊंगी मैं। जाओ। तुम्हारे साथ हूं तो बारिश भी अच्छी लगती है। ओहो कितनी देर हो गई। सॉरी जरा रास्ता दीजिए प्लीज। हाँ, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। हाँ ये पकड़ो। हाँ जल्दी पैसे निकालो। हाँ आप बोलिए आपको कहाँ जाना है। हाँ कहाँ जल्दी बोलो। काटो आपकी। सॉरी ये लो माँ। सालों को शर्म भी नहीं आती, रोज रोज लड़कियों को तंग करते हैं। हाँ बोलो कहाँ जाना है। सुनो बेटी यहाँ आ जाओ, वहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ खड़ी रहो। क्या तंग कर रहे हैं? भाई साहब जरा आगे चलिए। क्या कहा? आगे चलिए, आइए आइए, ऐसे आगे आइए, जरा घूम जाइए प्लीज। घूमने के लिए इतनी तकलीफ, मैं काफी देर से देख रही हूँ, मैं जहाँ भी जा रही हूँ आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। सुनाओ और सुनाओ। एक काम करते हैं, अगले स्टॉप पे हम उतर जाते हैं और शादी कर लेते हैं। जवाब दीजिए ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं, सोच कह रहे हैं, चलिए ना। और आपको तो काफी औरतों का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे आपकी हरकतें अच्छी लगी इसीलिए मैं कह रही हूँ। 3 वक्त की रोटी, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़ा, बस इतना तो दोगे ना? माँ बाप से भी नहीं पूछूंगी, इसी वक्त तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। बोलो है हिम्मत? नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो ना? 3 रुपए का टिकट लेकर 3 बस स्टॉप तक तुम लोग हर लड़की को परेशान करते रहते हो, हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हम जब भी अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे तुम जैसे लोग सामने आ जाते हैं, ये तो बस के अंदर की रोज की परेशानी है। मैं खुशी के लिए बाहर नहीं निकली हूँ, जिन्होंने मुझे पैदा किया उन्हें पालने के लिए मुझे छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। सच कहा। सच में। ये देखो ये है मेरा पगार, ये कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए मुझे इस तरह तकलीफें उठाकर हर रोज जीना पड़ता है। बस मुझे और तकलीफ मत दीजिए। इसकी तो ऐसी बचानी चाहिए ना, अच्छी खासी सजा मिलनी चाहिए इनको। अरे रे क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे हो? वो लोग आ गए हैं लक्ष्मी। कौन आ गए? वही जिनसे मैंने कर्जा लिया था, वो लोग आ गए हैं। मेरे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है और ऐसे वक्त में ये लोग वसूली करने आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है लक्ष्मी, अब मैं क्या करूं? डरने का क्यों? अपना मुंह बंद रख, वो पहले से ही घबराई हुई है। लाओ इधर लाओ, देखो तुम घबराओ मत, ये लो पहले तुम पानी पी लो, मैं जाके देखती हूं। जाओ जाओ बात करके देखो, जब मालूम पड़ेगा तब होश ठिकाने आ जाएंगे। शुभ शुभ बोलो बेटा।
भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वसूली के लिए। क्या भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हट जा। वो तो हमारी पड़ोसी है, वो पैसे दे देगी, आप जाओ। और हड़प लिया तो? कुछ तो रहम करो, वो बेचारी विधवा है। उसका आदमी नहीं है तो क्या मैं उसे अपने घर में बिठाऊं? देखो मेरी बात का कुछ तो इज्जत रखो। तू ज्यादा मचमच मत कर, हट जा। छोड़ो ना। हट जा रे। मेरी बात मान लो ना भाई। हट जा। क्यों गुस्सा कर रहे हो? हट नहीं तो खड़े खड़े बेइज्जत कर डालूंगा तुझे। किसके ऊपर हाथ उठाया तूने? मिटा कर रख दूंगा। देख क्या रहा है, हैं? आंखें निकाल के हाथ में दे दूंगा। फूट! माँ पे नजर डाली ना, फाड़ के रख दूंगा। सूरी के गिरेबान पर हाथ डाला तूने। इस तरह शर्ट को चीरा है, कल तुझे चीरूंगा। कौन है तू, बड़ा दादा है? डैडी मुझे मत मारो। हमेशा ऐसा क्यों करता है तू? उसे छोड़िए, मत मारिए उसे। ये सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है, तेरा भी गला दबा दूंगा मैं। तुझे पता है इसने किसके ऊपर हाथ उठाया? अरे वो कोई भी हो, मेरी माँ पे हाथ उठाएगा। तेरा तो हाथ भी तोड़ूंगा। डैडी डैडी छोड़ दीजिए, बर्बाद करके छोड़ेगा। इसने ऐसे कौन सी गलती कर दी, क्यों आप इसे इस तरह से मार रहे हैं? आज इसने उसके ऊपर हाथ उठाया है, कल वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और मुझे इसी बात का डर है, हमारा तो बस एक ही बेटा है। सोचा था कि पढ़ लिख के बड़ा होकर हमारे घर की जिम्मेदारी संभालेगा, इसीलिए तो रोज मर के जी रहा हूँ, और ये गुंडागर्दी किए जा रहा है। मेरे बच्चे, इस बूढ़े बाप के बारे में तो सोच। इसको देख, देख इसको, इसके जैसा नहीं बना तो एक झापड़ खींच के दूंगा। कम से कम मुझे बता तो सकता था ना इसने गलती की है, लेकिन इसके मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलता है कि डैडी मैंने गलती की है। मैंने कोई गलती नहीं किया। अपने बाप से जुबान लड़ाता है? डैडी, डैडी से छोड़ दीजिए। ए, अंदर जा। सुना नहीं मैंने क्या कहा, चल जा। क्या करूं मैं, एक बहन और एक भाई, इन दोनों को मेरे यहाँ पैदा होना था। मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ, तुम ही लोग रहो यहाँ पर। डैडी, तुम लोगों को जो भी करना है करो। मैं उसे समझाती हूँ। उसने किसने गिरेबान पे हाथ डाला रे? सूरी एमएलए के। मैं कौन हूँ रे? मैं भाई हूँ। उस चूजे की इतनी हिम्मत के एक शेर को ललकारे, उसका 300 टुकड़े करके जलाकर राख नहीं करूं तो मेरा नाम सूरी नहीं, देख लेना तुम लोग। ए, गाड़ी निकाल रहे। सूरी मत जाओ, तुम नहीं जाओगे। अगर तुम बच्चों के ऊपर हाथ डालोगे तो सभी लोग तुम पर थूकेंगे, कह देता हूँ। मत जाओ। ए, तो चुप कर रे, उसे मैं मारूंगा। आधे घंटे के अंदर उसकी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। चैप्टर उसका क्लोज कर दूंगा मैं। ए, चलो रे। तू गया रे। ए!
पकड़ो साले को। क्या रे? क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहिए तेरे को? ठंडा होने के लिए आया हूँ। ठंडा होने के लिए? किसके साथ आया है? इनके साथ हूँ। कमिंग कमिंग ऑल कमिंग। चलो चलो गाड़ी के लिए जगह खाली करो। पार्किंग ऑल पार्किंग क्लोज पार्किंग क्लोज पार्किंग। माजरा क्या है? तेरे को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलने वाला। वेट एंड सी फाइट। इस एरिया का कोई शाना है जो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? बड़ा भाई है वो। कान पे मारता है, धुआं निकालता है। सब ठीक है ना? ए, हमसे भागकर जाएगा कहाँ? अब सांप सुन गया ना? मैं भागकर इस मैदान में आया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं इधर से भी भाग जाऊंगा। क्या रे, तू हमसे बचेगा? चल चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जा, जल्दी कर। ए, क्या है? दूध पीता बच्चा समझा है क्या? पकड़ो उसे। अच्छा, पकड़ के दिखा। ए, मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ धोकर कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ जाओगे। क्या बे? बिल्कुल फिकर मत कर, अब भी देख। गाड़ी की तलाशी लेनी है। सुब्रमण्यम कौन है? कौन है वो, जल्दी बताओ। सुनाई नहीं दिया? ए, तू ही वो है ना? बारा
ए, बोला ना बारा, शायद तुझे पता नहीं डीसी का नाम सुनते ही लोगों के पतलून गीले हो जाते हैं, डिपार्टमेंट भी हिलता है। नीचे आ, तेरे को लेके जाना है। किधर? स्टेशन में। किस लिए? एक लड़की ने तेरे खिलाफ कंप्लेन किया है। मेरा? कौन लड़की? आ जा। वही है सर। सुन लिया ना, अब नीचे आ। चल उठ रहे। बोलिए। यही है वो सर, यही है। इसकी वजह से मैं उठ नहीं पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ, खा नहीं सकती हूँ, पी नहीं सकती हूँ, सो भी नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ सर। सुना ना, तूने क्या किया? क्या सर, आप भी इस पागल लड़की की बातों में आ गए। इसकी बात बिल्कुल मत मानिए, ये जो भी बोल रही है सब कुछ झूठ है। मैं सच कह रही हूँ सर, चाहिए तो इनसे पूछो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, यही है वो, यही है वो, यही है वो। सर मेरी बात मानिए, ये लड़का पहले से ही ऐसा है, दिल लेना जानता है पर दिल देना नहीं जानता। तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ। यहाँ पे दादागिरी दिखा रहा है तेरी, तो तूने मेरे को हाथ लगाया। मार लाला, मार लाला। मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, पुलिस वालों का भी दिन खराब चल रहा है, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। नकली पुलिस वाला है, रुक, तेरे को तो मैं देखता हूँ कितना पैसा दिया रहे तेरे को। रुक, नकली पुलिस वाला बनता है। रुक, माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे इसी बात का इंतजार था। ये ड्राइवर साहब का घर है ना? हाँ, लेकिन आप कौन है? घर में कोई और बड़ा है क्या? क्या आपको मैं दिखाई नहीं दिया? दूसरा कोई? बुलाता हूँ। ए, आपसे मिलना है। आप लोग? वैसे आप हमें नहीं जानते, ये मेरी वाइफ है। नमस्ते। और ये नमस्ते। मेरा बेटा शक्ति। नमस्ते। और ये मेरी बेटी है। हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आपके पास आए हैं, अंदर चल के बात करें। आइए। चलिए कोई बात नहीं, आइए बैठिए ना आप लोग, मैं अभी आया। लड़का तुम्हारे लिए। ए। देख बेटी, तेरे दिल में जो भी है बता देना। डैडी, आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं इन लोगों को जानती तक नहीं, पहले सब पूछ तो लीजिए, बिना सोचे समझे अंदर बैठा दिया। लेकिन मेहमान को? कोई बात नहीं, अब उनसे पूछिए वो किस लिए आए हैं। यहाँ आने का मकसद? सर गलत मत समझना, मैं सीधी बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 4,500 की मेरी नौकरी है, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे नहीं जानती है। एक दिन बस में उसे एक आदमी बहुत परेशान कर रहा था, तब उसने उसको अच्छी सबक सिखाई थी, उसकी ये हिम्मत मुझे अच्छी लगी। ऐसी अच्छी गुणवान लड़की मेरी जिंदगी में आई, यही मेरा सपना है, इसलिए आपके घर सीधा रिश्ते की बात करने आ गया मैं। थोड़ा साइड हो जाइए। बाइक है तुम्हारे पास? बाइक नहीं है? क्या आदमी है। अभी भी थोड़ा बचपना है। ओह, आप लोग मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए, मैं आपका आभारी हूँ। डैडी एक मिनट, मैं बस अभी आया, आप लोग बैठिए। बेटी सब सुन लिया ना तूने, अब क्या इरादा है? हाँ सुन लिया, बात करने से पहले एक बार सोच तो लेते। बेटी कैसी बात कर रही है? तुम चुप रहो माँ। लेकिन तुम ऐसे कोई भी मुंह उठा के चले आएंगे तो आप मेरी शादी कर दोगी? बेटी तू क्या कह रही है? डैडी आप जाकर उन्हें ना कह दीजिए, वरना मैं कह दूंगी। बुरा मत मानिएगा, मैं उसका बाप हूं ना, इसलिए कुछ भी कह देती है। आपकी इजाजत लिए बगैर हम लोग यहाँ पर आ गए, हो सके तो माफ कर दीजिएगा, चलते हैं। अच्छा अच्छा, पानी कितना अजीब है ना, जितना भी देखो जी नहीं भरता है, चाहे छोटे हो
या फिर बड़े हों। किसी के भी पैरों को जब यह समुद्र का पानी छूता है तो बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा महसूस होता है ना? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? उधर देखो ना, जितनी दूर तक नजर जाती है सिर्फ पानी दिखता है, पानी ही पानी। इतने बड़े समुंदर में जब दूर एक जहाज दिखता है तो छोटा सा लगता है। तुम कुछ बोलते क्यों? ए! अरे रे भागो रे, मैं नहीं आऊंगा, मैं गलत गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, तेरी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। ए, तुम्हारा नाम काव्या है ना, इसलिए तुम पकाने के लिए हमेशा कविता पढ़ती रहती हो। कविता समंदर नजारे, पुलिस का नाटक करके मुश्किल से मेरे को मना कर लाई हो पागल लड़की, तो फिर समंदर की बात करके टाइम क्यों खोटी कर रही हो? अपन को देख ले, एकदम लोकल लड़का हूँ, सादी भाषा समझ में आती है। क्यों, ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, अपन अलग है। मारपीट करने को बोलना, मार मार कर चीर डालूंगा किसी को भी, मेरे को जो रोकेगा उसको भी। क्या तुम किसी को भी मारोगे? हाँ। मुझे मारो ना। ए, 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 सॉरी सॉरी, ऐसे ही मार दिया, जानबूझ के नहीं, ऐसा ही हूँ मैं, मुझे कोई कहता है तो मैं बिना सोचे कुछ भी कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ, कुछ भी कर लेते हो? हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। सर, यस मिस्टर शक्ति, क्या इसी प्रेस में काम करते हैं? हाँ, बुलाता हूँ। शक्ति से मिलने के लिए यहाँ कोई लेडी आई हुई है। चाय पियोगे ना? आओ। सुनो, हाँ, दो कटिंग देना। हाँ सर। तुम चलो, मैं आता हूँ। शक्ति, मुझे आपसे बात करनी है। बस इसके लिए ऑफिस से यहाँ तक आई हो? अरे पहले चाय तो पियो। शक्ति, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे बाप रे, उस दिन के बारे में मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा था, पर मैं भूल गया। दरअसल वो, मैं शादी नहीं कर सकती। तुम सीरियल देखती हो ना, पहले हीरोइन भी ऐसी बोलती है। क्या शक्ति, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भी सीरियस होकर कह रहा हूँ, सीरियल में भी ऐसे ही होता है, उसके घर में भी मेरी ही तरह रिश्ता लेकर जाते हैं, उसके घर वाले उसकी बेइज्जती करके बाहर निकाल देते हैं। हम जैसी लड़कियों के दिल में एक अच्छे इंसान की बीवी बनने का सपना होता है, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना भी मेरा कर्तव्य है। हमारे दो वक्त के रोटी के लिए मेरे डैडी बहुत मेहनत करते हैं, तुम नहीं जानते। आज उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है ताकि हम कुछ बन पाए, परिवार की जिम्मेदारी उठा पाए, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, अब पढ़ाई कर रहा है। बस एक साल बाद मेरे डैड रिटायर हो जाएंगे, अगर इसके बीच में मेरी शादी हो गई तो मेरी जिंदगी तो आराम से कटेगी, मगर हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और इस बात को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। नहीं शक्ति, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने तो मेरा हाथ मांग लिया, लेकिन मेरे डैड को सहारा कौन देगा? इनकार की बस यही वजह है। मैं इस दुनिया के अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोचा आप सीरियल की हीरोइन की तरह बात कर रही हैं, लेकिन आप तो वाकई बहुत सीरियस निकली। चलती हूँ। सुनो, एक मिनट,
इन केस आपका भाई बदलकर घर की जिम्मेदारियां ले ले तो? सोचेंगे। बेशर्मों की तरह सर झुका के क्यों खड़े हो? जिस काम के लिए गए थे वहां से मुंह काला करवा के आ गए? क्यों? उसकी वाट लगाने गए थे और खुद की ही लगवा के आ गए? नहीं भाई, वो शेर की तरह गरजते हुए गया था, कुत्ते की तरह धूम दबा के भागा, तेरी जिंदगी पर थू है। नहीं भाई, हम उसको मामूली लड़का समझे थे, लेकिन वो तो कोई और ही निकला। ए, कहानी मत सुना, अभी देखना सूरी सूरज डूबने से पहले उस लड़के का सूरज डुबा देगा। ए, बंडिया गाड़ी निकाल। सुनो, एक प्लेट बढ़ा दो भाई। दरा ये सुनो, का बासी है क्या? ए भाई सुनना, इधर आ। मेरे को बुलाया? सोच रहा था किधर से आवाज आ रही है। तू अच्छा लड़का ऐसा बिहेव क्यों करता है? मैं आपको अच्छा लगता हूँ? क्यों? मेरे डैडी मुझे जिस नाम से पुकारते हैं उसी नाम से आपने पुकारा, इसीलिए। मैं तेरे जैसा ही हूँ, ना ही मेरा कोई बड़ा भाई है और ना ही कोई मेरा छोटा भाई, इसीलिए। खैर छोड़ो यार, बहन जी मेरा भाई आपको पसंद है क्या? मजाक मत करो। सब समझता हूँ, पूरा दिन कॉलेज में साथ में ही रहते हो। भाई मेरे चुप करना, बोल दो सोच क्या रहे हो। देखो बहन जी, तुम्हारे दिल में जो भी बात है खुल के बोल डालो, वरना ट्रेन छूट जाएगी। तुम लोग का हीरो हाँ बता रहे? बोल कहाँ है तेरा हीरो? बोल। मेरे को जाने दो, वो लफड़ा करने को आया वरना इधर आ जाएंगे। अरे तू बैठ, मेरी बात सुन, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मेरे को जाने, मेरी बात सुन, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तुम लोग इसको लेके जाओ, मैं देख लूंगा सब कुछ। जाने दे, जा जा, एक बार चल चल। ए बोलेगा कि नहीं? बोल बोल रहा है। बोल किधर है? ए चल तू बता, बता रहे, बता बता, मुझे नहीं मालूम, नहीं पता। ये हमारे कॉलेज का ग्राउंड है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए तू कौन होता रे? ए जिस तरह से तुम यहाँ चिल्लाकर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हो वो तुम्हारे लिए गलत होगा, ये कॉलेज है। ए ए फूट यहाँ से। ए भागा मत लेना, नहीं इतना मत, भागा मत लेना। ए भाग, देख बोल रहा हूँ, पंगा मत ले। क्या कर लेगा तू? देख भारी पड़ेगा तेरे को, पंगा मत ले। देख लिया ना, मेरे साथ पंगा लेने का यही नतीजा होगा। सुन मेरे हमारी बात, मैं बोल रहा हूँ जाएगा, इन्हें मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। सुन मेरी बात, शांत हो जा, शांत हो जा, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। कह देना अपने लीडर से मेरे गिरेबान पर हाथ डालने का यही अंजाम होता है। तेरी छोड़ो मुझे, रुक जा, देख रुक जा, रुक जा। कोई एक कदम भी नहीं हिलेगा, उस बदमाश को इधर आने दो, मैं तुम्हारे सबके सामने उसे खड़े खड़े चीर डालूंगा, देखना हिलना मत। क्या हो रहा है सब हा? एक आदमी की जान लेकर तमाशा देख रहे हो, लफड़ा कर रहे हो? होशियारी नहीं चाहिए, यहाँ से तो भाग ले, बोला ना भाग, शान पट्टी नहीं चाहिए, भाग। वरना एक ही घूसे में जमीन की धूल चटा दूंगा। अपने बाप को बोल दे जल्दी से इधर आए और आकर मेरा सामना करे। बोल जाना।
गाड़ी ले चलो। क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या मैं उसके सामने झुक जाऊं? कह देता हूं ये नहीं होगा। समझने की कोशिश करो। ए, सारी दुनिया सूरी की सुनती है और तू चाहता है मैं तेरी सुनूं? बेवकूफ जैसी बातें मत करो। ए, सारी दुनिया को मैं टोपी पहनाता और तू मेरे को टोपी पहनाएगा? ए, भूल गया वो दिन जब तू रिश्वत लिया करता था? हम दोनों ने मांडोली की थी जब मैंने 4 रेप किए थे, याद है ना तुझे? 10,000 दिए थे 4 मर्तबा, जाके बोलूं क्या सबको? मैं समझाया जा रहा हूँ और तू बके जा रहा है? लड़की की इज्जत लूटने के बाद बचाने के लिए थोड़ा सा रिश्वत लेता था तो इसका मतलब तू सर पर चढ़कर नाचेगा और कुछ भी बोलेगा? सुन ले एक बात, तू पुलिस वालों को नहीं जानता। वो उस इलाके का बादशाह है, बीच सड़क में लाश को रखकर चट्टान की तरह खड़ा है। कॉलेज के ग्राउंड के अंदर एक आदमी की जान लेकर मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। घर के अंदर छुपने से तेरी जान बच जाएगी। पूरे शहर का ट्रैफिक जाम है, तू अगर चुपचाप मेरे साथ इज्जत से नहीं चलाना तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा और ऊपर वाला भी तुझे नहीं बचा पाएगा। ए, देख लूंगा, देख लूंगा। ए, तेरे बाप का राज है, तेरे बाप का राज है। अगर तू चुपचाप नहीं चला तो 1500 स्टूडेंट तुझे खा जाएंगे, इसीलिए कह रहा हूं चुपचाप मेरी बात मान जा, 1 महीने के लिए अंदर हो जा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। चल। इसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, इसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाना है। ये स्टूडेंट्स का मामला है इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। तुम्हारे कहने के मुताबिक हमने इसको अरेस्ट किया, अब इज्जत से सब लोग खामोश हो जाओ, कानून इसका फैसला करेगा। चल चल गाड़ी में बैठ। तो क्या करूं? जब ये 10 महीने का था तब मैं इसको यहाँ लेकर आया था, इसी की खातिर मैं इसे यहाँ से बचाकर ले जा रहा हूँ। जहाँ सुकून मिले वहीं बसेरा कर लूंगा, संभाल लाओ।
डैडी। माफ कर मेरे बाप, किसी और की मौत होती है तो वो बीच रोड में खड़े होकर दुश्मन को ललकारता है। भगवान न करे कल तुझे कुछ हो गया तो ललकारने की हिम्मत मुझ में नहीं। नहीं डैडी, वो तो मैं उससे बात करना ही बेकार है। तुझे पैदा किया यही मेरी गलती। मैंने सोचा था कि तू बड़ा होकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा, शायद मैंने गलत सोचा था। अरे कभी तो अपने परिवार को सुकून से रहने का मौका दे। मेरे बच्चे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना है तो मत सोच, लेकिन तू खुश रहे बेटे। चल बेटे गाड़ी में बैठ, बूढ़े बाप का कहना मान ले बेटा, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। तक इस किताब को हाथ तक नहीं लगाया। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए? आपने घर चेंज किया, पड़ोसी से पता चला, एक बार उसे बात। तुम उससे बहुत प्यार करती हो ना? हमारा परिवार गरीब और बहुत छोटा परिवार है, इसमें किसी और को शामिल करना इस वक्त मुश्किल है। तुम उसका भला चाहती हो तो भगवान के लिए उसे भूल जाओ। वो उसके लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी, भूल जाओ उसे, इसी में सबकी भलाई है। दीदी ये रख लो, बचत के पैसे हैं दीदी, मेरा यकीन करो, ले लो ना दीदी। मैं सचमुच परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा, यकीन करो दीदी। ए, चल गाड़ी खाली कर।
तेरा बेटा किधर रे? तू चुपचाप घर बदल लेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, क्या समझा तूने? बता सुअर तेरा बेटा कहाँ है? तेरी तो तू नहीं जानता? जानता हूँ। तो फिर बता। नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताएगा? बोलाना नहीं बताऊंगा साले। इसको जिंदा जला दो। जिंदा जला रहे। दिमाग खराब हो गया है। चल पैसे निकाल साले। भाग रे, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। काट डालूंगा सबको। साला ले ले, आओ ये ले।
पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ी। ये ले आ, ये तेरे तो। रोक, रोक मेरे पर रोक। मेरे को मारेगा। छोड़ रे। हाथ मत लगा मेरे को। छोड़। काट दे तेरे को भी। छोड़। डालो इसे। सुपुत्र। चल कौन है तू? गुंडा है यहाँ का है? बोल, चल वहां जाके बैठ। नीचे बैठ, कारा नीचे बैठ। पेपर लो। कितने दिन का रिमांड है? 15 दिन का। ऐसा नीचे कर। ए, नाम क्या तेरा? नाम क्या है रे? सुब्रमण्यम। उमर? 18 साल। बाप का नाम? मणि। ले जाओ इसे। ए, सीधा चल। अबे चलना। जा क्या कर रहा है? इधर आ। अंदर जा, चल ना अंदर। सॉरी, वो अंदर आ गया है। अंदर तो वो अपने पैरों पे चल के आया है, लेकिन बाहर 4 कंधों पे जाएगा, समझ जा। समाधि बनाऊंगा उसकी। राधे श्याम। हाजिर है। इकबाल। हाजिर है। राजशेखर। हाजिर हूँ। सुरेंदर। हाजिर है। नंद किशोर। हाजिर हूँ। हरीश। हाजिर है। अभिजीत। हाजिर है। प्रथमेश। जगदीप। सुभाष। रोशन शेट्टी। कल्लू दादा। हाजिर हूँ। सुभाष। प्रशांत कदम। हाजिर है। मोहन चंद्रा। रघुवीर। हाजिर हूँ। बिट्टू। हाजिर है। सोहन लाल। हाजिर है। सुलेमान। हाजिर हूँ। तुषार देव। हाजिर है। अमित पाटकर। जयेश पुत्रन। हाजिर हूँ। सूरी। हाजिर हूँ। आज तो बच नहीं पाएगा मेरे हाथों से। कसाई, तूने मेरे बाप को मार कर चला दिया, मेरे भाई जैसे दोस्त को भी मार डाला। मैं तेरा खून करने के लिए ही अंदर आया हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू क्या मारेगा मुझे? तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े करके यहीं पे गाड़ दूंगा, ताकि लोग थूके तेरी कब्र पर। Yeah.
आज तू गया रे। आ जा। तू आ जा। आजा कर रहे हो? मत मारो। आप यहाँ क्यों आई हैं? काम पर नहीं गई? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बाप रे बाप, ये तो कोर्ट और पुलिस का एरिया है, यहाँ पर सबको डर लगता है, तुम्हें भी लगता होगा। न जाने यहाँ क्या क्या होता होगा। अंदर भी एक अंकल बैठे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल जैसे, अच्छे आदमी है वो, किसी से ज्यादा बात नहीं करते। दीदी मैंने भी उनसे बात नहीं की। तो मुझ पर खून का इल्जाम है ना? मैंने खून किया? लोग कहते हैं मैंने खून किया है। मैं खून नहीं कर सकता। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने उस कमीने को सजा दी है। मैंने खून नहीं किया।
जानबूझकर नहीं मारा,